अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज इधर बहुत रश है, बहुत पुलिस है और हालात बहुत यानी टाइट थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब से मुलाकात भी हो गई और हमारी बातचीत भी हो गई, सब कुछ हो गया और इंशाल्लाह अगली तारीख पे हम फिर आएंगे। जज साहब ने उसको कह दिया कि इनको आने दो क्योंकि इन लोगों को लूटा गया है। और ये जो राजा रियाज बार बार बोलते हैं कि हम खरीद लेते हैं, वो भी हमने जज साहब को बता दिया, तो बोलते हैं कि हम देख लेंगे कि कौन किस को यानी खरीदता है नहीं खरीदता है, तो टाइम सब कुछ बता दिया जाएगा और इंशाल्लाह यानी इधर कोई भी ऐसा नहीं है कि वो खरीद सके, तो इंशाल्लाह ये ना किसी को खरीद सकते हैं, ये सिर्फ बढ़ के छोड़ते हैं। हाँ, इधरों में कुछ करप्ट लोग होंगे जो उन्होंने खरीद चुके होंगे, लेकिन ना ये जज को खरीद सकते हैं और ना ये अदलिया को खरीद सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। तारीख इस बार थोड़ी लंबी पड़ी हुई है, यानी 19 पड़ी हुई है, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमने जज साहब को रिक्वेस्ट किया कि तारीख जो है वो थोड़ा छोटा दिया करें। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। बाकी सब लोग गए हैं और वो जो दाढ़ी वाला था, क्या नाम है, तौसीफ आमिर, या वो अभी बैठा था, तो देखते हैं अभी हम निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट ही आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन ये जो राजा बार बार बकवास करता है कि वो इदारों को खरीद लेता है, इन पे तवज्जो ना दे, ये किसी को भी नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, होंगे कुछ चुतिया लोग जो वो खरीद लेता है, ठीक है।